आपके एक वोट ने इस धरती को लहूलहान करने वाले नक्सलवादी आतंकवाद से मुक्ति दिला दी। ये आपके एक वोट की ताकत है। साथियों, याद करिए कांग्रेस के समय क्या हाल था। यहां बम फूटते थे, आतंकवादी गोलियां चलाते थे, निर्दोषों को मौत के घाट उतारते थे और दिल्ली की सरकार पाकिस्तान को लव लेटर भेजती थी। लव लेटर, अमन की आस लगाती थी, अमन की आस। पाकिस्तान जितने लेटर जाता थे उससे ज्यादा आतंकी भेजता था और बम गोले लेकर वो देश में खून की होली खेलते थे। और जब आपने एक वोट दिया ना, उस वोट ने मुझ में इतना दम भर दिया, इतना दम भर दिया, मैंने आते ही कह दिया इनअप इज इनअप, बहुत हो चुका है, अब ये खेल नहीं चलेगा। मां भारती का अपमान नहीं सहूंगा, निर्दोषों को नहीं मारने दूंगा। आज नया भारत डोजियर नहीं भी देता, ये नया भारत है गर्म में घुसकर मारता है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के तमाचे ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था। पहले एक समय ऐसा था, कोई महीना ऐसा नहीं जाता था कि जब झारखंड बिहार के इस इलाके से देश की सेवा करते करते हमारे नौजवान सीमा पर शहीद न होते हो, कश्मीर में शहीद न होते हो और तिरंगे में लिपेट करके उनकी शरीर वापस न आते हो। ये हर महीने चलता था, आज वो सब बंद हो चुका है। ये आपके वोट ने किया है। एक वो स्थिति थी जब आतंकी हमले के बाद कांग्रेस की डरपोक सरकार दुनिया भर में जा जाकर रोती थी। ये स्थिति की पाकिस्तान, वो वक्त चला गया जब हम दुनिया में जाकर के रोते रहे। आज स्थिति ये है, पाकिस्तान दुनिया भर में जा जाकर के रो रहा है। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।